कान्हा खेरी कहा ऐसी होलियो गुइहो कान्हा खेली कहा। कविताएं, गाने, नृत्य, आर्ट, पेंटिंग्स, कुछ भी बोलिए, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, आपके अभ्यास की बहुत जरूरत है। और यही एक जगह होती है जहाँ पे आप अपने आप को तराशने का मौका मिलता है। तो करते रहिए, रुकिए मत, और किसी को रोकने भी मत दीजिए अभ्यास करने के। रही हमारे साथ रियाज में अभ्यास में। नमस्कार। नमस्कार। चल रही है एक छोटी सी टुकड़े की रियाज। ताथूंगा थूंगा देगी 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 ताथूंगा थूंगा देगी 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 ताथे आथे थे ताथे ताथूंगा थूंगा देगी 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 ताथूंगा थूंगा देगी 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 ताथे आथे थे ताथे ताथूंगा थूंगा देगी 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 ताथूंगा थूंगा देगी 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 ताथे आथे थे ताथे इम्पॉर्टेंट है फुटवर्क की, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फुटवर्क जितना करेंगे उतना अच्छा है, आपकी पैर की जोर बढ़ेगी और ऊपर से आपकी पैर की थाप भी बहुत अच्छा होगा। और चक्कर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हो जाती है चक्कर में आपकी बैलेंस बिगड़ सकती है। क्योंकि आपके चक्कर का मतलब है नाभि से लेके मस्तक तक पूरा सीधा होना चाहिए, तभी आपकी चक्कर अच्छी और पूर्ण होगी या कंप्लीट होगा या आपकी बैलेंस नहीं बिगड़ेगी। तो इसकी चक्कर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 3, 9, 16 मात्रा, 21 मात्रा इस तरीके से चक्कर एक एक करके शुरू कीजिए, बढ़ाइए अपनी गति को। एक पैर के चक्कर, 3 पैर के चक्कर, 5 पैर के चक्कर, 4 पैर के चक्कर, इस तरीके से आप धीरे 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 करके अपने स्टैमिना को बढ़ाते जाइए और आप सीख जाएंगे अपने शरीर के साथ संतुलन कैसे बना के रखते हैं। तो करिए रियाज का यही आज इस बार का छोटी सी एपिसोड है। अगले बार लेके आएंगे रियाज की कुछ और मज़ेदार बातें। थैंक यू।